क्षेत्र में आए आदमखोर तेंदुए से अब गांवों के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। कल दो लोगों को घायल करने के बाद आज सुबह एक बार फिर ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें छह लोगों को घायल कर दिया गया। घायलों में चार बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल उदयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोसदुना और देसिंगपुर के छह लोगों पर तेंदुए ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। घटना सुबह की बताई जा रही है। जब ग्रामीण सुबह शौच के लिए जा रहे थे, तभी छुपकर बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। सभी छह घायलों का इलाज जारी है, जिसमें दो की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जानने आए डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई है। वह इंदौर से रेस्क्यू टीम को भी बुला लिया गया है, ताकि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाए, ताकि कोई बड़ी घटना न हो। सर, तेंदुए की पकड़ धरपकड़ के लिए कुछ प्रयास? नहीं, तेंदुए की धर पकड़ के लिए तो क्या है कि वो तो जंगली जानवर है, तो नेचुरली अपने जंगल में घूमेगा ही घूमेगा। और यदि कोई खास होता है तो फिर भोपाल से परमिशन लेना पड़ती है इसकी पकड़ने की। क्या माना जा सकता है कि ये माना जा सकता है कि बार बार हमलों से आदमखोर होने के चांसेस बढ़ते हैं इस जानवर में? नहीं, वैसे अपनी ऐसी कोई घटना नहीं हुई अभी तक पूरे अलीराजपुर जिले में, चाहे कट्टीवाड़ा हो चाहे हो, सब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि तेंदुए, कहा जाता है कि तेंदुए के मुंह पर अगर इंसानी खून लग जाए वो आदमखोर हो सकता है। वो हो सकता है, लेकिन अपने आप ही ऐसा कुछ घटना नहीं हुई।